धर्मेश, हमने सुना आपको नोरा बहुत अच्छी लगती है। मतलब नहीं लगती? नहीं, अच्छी लगती है वो, मतलब वैसे वाले नहीं, वैसे वाला क्या होता है वो? मतलब आपको भी प्रपोज करेंगे तो आप मना कर देंगे? मतलब दिल थोड़ी तोड़ना चाहिए। हाँ बोल देंगे, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। क्यों, अपना पे भरोसा नहीं आपको? अरे होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसा हजम ही नहीं हो सकता ना, दोनों साथ में देखो। No, actually, हो सकता है क्योंकि धर्मेश का स्वाग बहुत बढ़िया है। उसका स्वाग बहुत अच्छा है, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है। अरे नोरा, अच्छा पुनीत के बारे में मैं बताना चाहूंगा। पुनीत ABCD आप सबने देखी, बड़ी कमाल की फिल्म थी। उसमें शराब पी के इधर उधर पड़े रहते हैं। इनका करेक्टर ऐसा था। ABCD 2 जब आई उसमें इनको सुनाई नहीं देता, बोल भी नहीं पाते। अभी स्ट्रीट डांसर में इनका पैर टूटा हुआ है। तो ये आपने रेमो सर को गुरुदक्षिणा में कम दे दी थी जो आपको ऐसे रोल देते हैं। मैंने सर को पूछा था कि इस वाले वर्जन में सर कुछ टूटा फूटा तो नहीं रहेगा ना? फिर सर ऐसे स्माइल करके लुक देते, ऑफ कोर्स टूटा फूटा रहेगा। ऑन अ सीरियस नोट, मैं एक्चुअली सर को थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो रोल नहीं होते तो शायद चंदू इतना फेमस नहीं होता, शायद मेरा वो सिग्नेचर स्टेप नहीं होता, और शायद मैं आज यहाँ पे बैठा नहीं होता। तो थैंक यू सर। सलमान के बारे में हमने सुना है कि जब इन्होंने लाइफ में पहली बार परफॉर्मेंस दिया था, डांस परफॉर्मेंस, बहुत छोटी उम्र होगी शायद, 3rd या 4th स्टैंडर्ड में, आपकी कहते पहली परफॉर्मेंस में, डेब्यू में धोती खुल गई थी आपकी। हाँ? क्या? ऑफ कोर्स, ये कैसे पता आपको? अरे आपने किसी इंटरव्यू में बोला था, तो हमारी टीम है, वेरी ह्यूज टीम ऑफ 1 पर्सन। तो ये मेरे सर, ये एक ट्रू इंसिडेंट है। उस टाइम पे हमारे चीफ गेस्ट थे मनमोहन जी, तो वो आए थे ये मनमोहन सिंह जी। जी, मनमोहन सिंह जी, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर। यस। अच्छा, वाओ। एट दैट टाइम आई थिंक ही वाज द डिफेंस मिनिस्टर दैट टाइम, फाइनेंस मिनिस्टर। ही हैड कम देयर एंड आई रिमेंबर, ये 3rd स्टैंडर्ड की बात है, और मुझे सेंटर दिया गया था पोजीशन, और 15 लोग थे जो डांस कर रहे थे, और परफॉर्मेंस ब्रिलियंट गई थी सर, बहुत बेहतरीन। मैं कार्टव्हील कर रहा था, चक्री कर रहा था सब, और ये कर्टन क्लोज हो रहा था और सब खड़े रह के स्टैंडिंग ओवेशन क्लैप कर रहे थे। कर्टन इतने क्लोज आया ही, लड़की ने मेरे धोती पे पैर रख दिया, सर मैं चक्री कर रहा था तो हाथ भी नहीं छोड़ सकता था सर। तो धोती निकली और कच्चा पहना था। I was in my 3rd grade। ठीक है यार, ठीक है। और मेरे पास वीडियो पे आज तक वो है कि मैं संभाल रहा हूँ और गोल घूम ही रहा हूँ। नहीं सोचो, फाइनेंस मिनिस्टर सामने और सारा खजाना दिख गया। अरे सुशांत थोड़ा शाय लग रहा है। अरे बिल्कुल नहीं, या मुझे नाम की वजह से लग रहा, आगे पुजारी लग रहा। नहीं, आप श्रद्धा और नोरा आपके साथ काम कर रही है, आपके नाम के आगे पुजारी लगता है, घंटी बजती थी आपकी भी यार, इतनी प्यारी खूबसूरत लड़कियां आपके साथ काम कर रही हैं। नहीं सर, मेरा शादी हो गया ना, तो थोड़ा घंटी बजना बंद हो गया। तो शादी के बाद शरीफ हो गए बहुत ज्यादा आप, इसलिए नेल पॉलिश भी लगानी शुरू कर दी। मैं आपको पता है मैं इसको कैसे जानता हूँ सर? कैसे? तो मेरी जो पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें गाना था डिस्को दीवाने, जो रेमो सर कोरियोग्राफ कर रहे थे, एंड उसमें मुझे सिखाने के लिए कौन आया था? सुशांत। अच्छा। और पर ऐसा क्यों, रेमो सर आपको नहीं आता था? तालियां, क्या बात, खुद ही कपूर शर्मा, मेहमानों के साथ हमारा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। बिल्कुल, ये सब वो हैं जिनकी फिल्म आ रही है, और ये वो हैं जिनको अकल भी नहीं आ रही। एक मिनट, ये तुम लोगों ने जो डांस करके एंट्री ली, जिस भी देवी देवता को मानते हो उसको हाजिर नाजिर जान के बोलना, तुम लोग इनसे अच्छा नाचते हो? तू नाच रहा था ना, तेरा पेट यूं देख रहा था बाहर, ये और दो दो बेल्ट लगा के आई, देखो ये। अंग्रेजों का सिगार लग रही तू। क्या क्या बन के घूम रहे हो तुम लोग?
क्या बन के घूम रहे हो? What do you mean by क्या बन के घूम रहे हो? Hi everyone. Hi. My service Chandu as Varun Dhawan. अरे. Oh wow. अच्छा ये वरुण बन गया है. Wow. ये क्या है? सनी देओल. सनी. तम्मा तम्मा लोगे. मोटा मोटा ऐसे ही है सर. तेरी हिम्मत कैसे हुई? मतलब किस हिसाब से सोचा तूने? तू कहाँ से वरुण धवन लगता है? दिमाग है एक जगह, बाद में बताऊंगा. और ये क्या बनी हुई है? Hi, I'm Bhuri. Myself as Nora. हाय गर्मी. तुम नोरा फतेही हो? अरे जी, मैंने कहा था आप शटर बंद करके आ जाना. किस हिसाब से? मतलब नोरा ने यही गाने पे डांस किया ना, हाय गर्मी, तो लग रहा था क्या क्या डांस किया तूने. किया लग रहा तेरे को खुजली हो रही कि रबिश. Just disgusting. That's very mean. You disgusting. I just want to say I hate you both. Oh, whoa, whoa. What kind of dance do you just perform? निकलो यहाँ से. ऐसे कैसे निकलो? चंदू ने बगावत कर दी. कैसी बातें कर रहे कपू शर्मा? श्रद्धा, you know, पंडित मुझे कहते थे कि तुम्हारी कुंडली में ना कपूर योग है. मैं मानता नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा है. तो एक तो तूने ट्रांसपेरेंट बनियान पहन के आया था. चंदू, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा यार. थैंक यू. जा यार. चलो ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा. व्हाट अबाउट माय फ्रेंड्स? वो फ्रेंड्स राघव, पुनीत, धर्मेश, हम सारे स्ट्रगल के दिनों में एक ही फ्लैट में रहते थे. पर तू तो सेटल होने के बाद में भी फ्लैट में भी नहीं रहा तू. स्ट्रगल के दिनों में तेरे पास फ्लैट कहां से आ गया? अरे लेकिन इसका पता नहीं कपू, मैं सच बता रही हूँ. अब धर्मेश इतने बड़े स्टार खुद बन गए, लेकिन इन्हें तो मैंने जमीन से उठाया है. अरे कहती 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 उठो साहब, मैंने नीचे पूछा भी लगा. अच्छा वैसे इसका सही है, तीन चार लाइनों की बेइज्जती है, एक ही लाइन में करवा लेती है. कितनी बार बोला है मत बोला कर. रेमो सर, यस, आपको पता है डांस का तो हमारे अंदर ऐसा कीड़ा, हमारा अपना एक ग्रुप है. हाँ, ग्रुप का नाम है काले कच्चे वाला गिरोह. अच्छा इनको इसलिए पता है क्योंकि उसके लीडर यही है. हमारे कच्चे यही काले करके देते हैं, जाओ पहनो. पर चलो बात खुली गई में बता दो, इसके पास तो वो भी नहीं था, मैंने तो बॉडी पेंट किया हुआ था. और मैं तुम दोनों को एक बात बताऊं, तो फालतू बातें नहीं करनी, दोनों एक दूसरे का मुंह देखो और अपना मूड खराब करो और निकलो. चलो. मैं ना अच्छा खासा ठीक ही आ रही थी, तुम्हारी वजह से 10 बातें सुननी पड़ती है मुझे कप्पू से. ओ, अकेली तुम इधर बहन हो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? सर मेरे साथ पहले तो तुम इधर. अच्छा हाँ. अपनी शक्ल देखी है तुमने? वहां देखो वरुण धवन, यहाँ देखो ही मत. और उधर देखो नोरा, इधर देखो इसको देखकर कुछ भी नहीं हो रहा. वो तो दिख ही रहा है सबको. और ज्यादा उछलो नहीं, दिखने में मैं स्वीट, इनोसेंट और स्वामी टाइप का हूं, लेकिन अंदर से बहुत बड़े तूफानी टाइप का हूं. पहले ना मैं तेरे को तोड़ूंगी, फिर फोड़ूंगी. अच्छा. फिर तोड़ फोड़ के जोड़ूंगी और फिर तोड़ूंगी. ये कोई बात समझ में आए? मैं सोनी को फोन लगाता हूँ. सोनी चैनल को. पहले तो वो तुम्हें तोड़ेंगे फोड़ेंगे, फिर तुझे कलकत्ता और तुझे अमृतसर छोड़ेंगे. चलो चलो बहुत हो गया. I will see you all in the next promotion. चलो तुम पुलिस स्टेशन. चुप रहो.